हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, टुडे वी विल सी कि आप के एम आई टीवी को हम मॉनिटर कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉनिटर। मेरे पास लैपटॉप है जिसमें एच डी एम आई और एज वेल एज वी जी पोर्ट दोनों हैं। तो पहले मैं आपको एच डी एम आई से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई मेरे दोस्तों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है एच डी एम आई से कनेक्ट करने के बाद भी। तो पहले उस पर हम फोकस करेंगे, उसको कैसे ठीक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एच डी एम आई पहले टी वी से कनेक्ट कर दी थी और अभी मेरे लैपटॉप में मैं इसे कनेक्ट करूँगा, तो उसका रिस्पांस हम देखेंगे। अभी मेरा पोर्ट एच डी एम आई 2 है, तो आप देख सकते हैं कि कनेक्ट करने के बाद कुछ हलचल तो हुई है। तो एच डी एम आई पोर्ट हमारा हाईलाइट तो हुआ है, अभी उसे हम प्ले करके देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो ट्रांसफ़र हो हुआ कि नहीं हुआ। तो करते हैं क्लिक। तो जो प्रॉब्लम मेरे भाई लोग को आ रही है वो मेरे साथ भी हुई, नॉट कनेक्टेड आ रहा है। हालांकि सब कुछ ठीक है, मेरी केबल भी ठीक है, मेरा लैपटॉप भी ओके है, मेरा टीवी के पोर्ट्स भी सब चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप जैसे चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने एच डी एम आई पोर्ट 1 में लगा कर देखूँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है इसे ठीक होने की। तो आप भी ऐसे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, आप भी दोनों जो पोर्ट बचे हैं उनमें कनेक्ट करके देखें। अभी मैंने एच डी एम आई 1 से कनेक्ट किया था तो वो भी नहीं चला। अभी मैं अपने एच डी एम आई जो 3 का पोर्ट है उसे चला के देखूंगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। हालांकि क्योंकि पोर्ट तो सेम ही है तो रिस्पॉन्स भी सेम रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि सेम रिस्पॉन्स है। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया था, तो इसके बाद आप कर सकते हैं कि आपने जो भी कनेक्ट किया है, मैं टीवी से चाहे वो लैन पोर्ट लैन केबल हो, पेन ड्राइव्स हो, एवीआई के केबल, सब कुछ निकाल दें ताकि इसके मदरबोर्ड को थोड़ी सी राहत मिले अपने थोड़े से ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करने की। तो मैंने वही किया, थोड़ा ऐसे सब कुछ निकाल दिया और इसके बाद किया ऐसे रीस्टार्ट ताकि इसका मदरबोर्ड थोड़ा सा एक्टिव और हो जाए अपने एचडीएमआई कनेक्शंस को प्ले करने के लिए। ठीक है गाइस, तो अभी करते हैं, रीस्टार्ट हो चुका है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस, अभी मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ टीवी से। ठीक है, तो इसके बाद HDMI 1 मेरा कनेक्टेड है अभी, तो हाईलाइट तो हुआ है नीचे यूट्यूब के। अभी उसे प्ले कर देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है अभी रीस्टार्ट होने के बाद। तो अभी मैंने किया कनेक्ट, तो गाइस अभी भी रिस्पॉन्स सेम है। ठीक है गाइस, तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो मेरे लिए काम आया वो मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने कैसे क्या चीज़ काम आई। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इतना करना है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाके आपने देखना कि अगर आपका 1:2 कंबाइन दिखा रहा है तो मतलब आपका डिस्प्ले डिटेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ आइडेंटिफाई पर क्लिक करना है। तो अगर ये 1:2 ऑन द सेम स्क्रीन दिखा रहा है तो ठीक है, ये इसका मतलब कि ये इसने अपनी दूसरी स्क्रीन को भी डिटेक्ट कर चुका है। अभी मैंने इसको एच डी में निकाल दी तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 है, तो मतलब ये सही है। अभी सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन ही इसे एक्सेस है। जब मैं इसे एच डी में कनेक्ट करूँगा तो इसके एक्सेसिबल 2 होंगी जिसे ये मर्ज कर पाएगा, जो मैंने मल्टीपल डिस्प्ले में सेटिंग में रखा हुआ है। तो अभी मैंने एच डी में कनेक्ट कर दी है और 1 और 2 मर्ज है। ठीक है, अभी मैं इसे आइडेंटिफाई करूँगा तो 1:2 है। अभी मैं ट्राई करूँगा एम आई टी वी में इसे दोबारा डिस्प्ले कराने की। तो आप देख सकते हैं कि अभी आराम से ये आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं मुझे आई। बहुत ही सिंपल था मेरे लिए, लेकिन इस पर पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट था। ये इतना सिंपल होगा इसे सॉल्व करना मुझे नहीं पता था। सिर्फ आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन में जाके, स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाके इसको आइडेंटिफाई क्लिक करना है। होता क्या है कि कई बार पहली कोशिश में नहीं होता, तो आपको कोशिश बार बार करनी पड़ती है। तो हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हो जाएगा, आप इसे ट्राई करें। तो मैं दोबारा भी इसे कोशिश दोबारा भी ट्राई करके दिखाऊंगा। तो गाइस, आपको दिखाने के लिए मैंने अभी एच डी एम आई निकाल दी है और अभी मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा अपने लैपटॉप में, ताकि आपको अगर दोबारा दिक्कत आए लगाने में तो आप घबराए ना। अगर आपकी स्क्रीन ऐसे ब्लिंक हो रही है लैपटॉप के केस में, तो आपका मतलब डिटेक्ट हो रहा है डिस्प्ले,
अगर फिर भी अगर नॉट कनेक्टेड आ रहा है तो हम आप देख सकते हैं कि अगर इस पे 1 2 लिखा हुआ है, अभी अभी डिटेक्ट करेंगे तो 1 2 इस पे सिर्फ इस पे आ रहा है, MITP पे अभी भी नहीं डिटेक्ट हो पा रहा हो। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको HTML निकाल देना है। अगर आपका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन वाला विंडो खुला हुआ हो उस पर देखना है कि वन अभी वन आया है ना, तो 1 के बाद जब कनेक्ट करेंगे तो उस पर 1 2 आना चाहिए। उसके आने के बाद आपको दोबारा MITP पे क्लिक करना है HDMI को, तो आपका HDMI पोर्ट चल जाएगा। सिर्फ इतना करना है। इस पर मैंने देखा है कि जो स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली विंडो वो बहुत वो मेजर रोल प्ले करती है आपका वो सब कुछ स्क्रीन को शेयर करने में। तो गाइस मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई थी जो मेरे PC से कनेक्टेड थी, PC में VGA पोर्ट में मैंने ट्रांसफ़र किया था। अभी मेरा वो PC का मदरबोर्ड ख़राब है तो मैं उसे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये लैपटॉप लिया जिसमें HDMI और एज वेल एज VGA पोर्ट दोनों है। अभी मैंने इस पर HDMI को ट्राई कर लिया है, वो कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने जो पुराना मेरा जो सिस्टम था VGA कन्वर्टर वाला, ठीक है, जो VGA केबल थी वो, उससे मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है कि मैंने बहुत ट्राई किया उसको, बहुत इस पर दिमाग मारा, बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी ये कनेक्शन नहीं हो पाया मुझसे। उसकी शायद कोई दिक्कत थी, शायद कन्वर्टर मेरा ख़राब हो गया क्योंकि उसके साल से ऊपर ऊपर पड़े पड़े हो गया है। शायद कोई उसकी केबल वगैरह पावर वगैरह हो सकती है वो ख़राब हो। लेकिन मैंने ट्राई बहुत किया उसको बार बार कनेक्ट करके, लगभग मैंने 1 घंटा इस पर इन्वेस्ट किया अपना, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। पावर के लिए मैंने अलग से पावर बैंक भी दी इसको पावर के लिए, कि कहीं लैपटॉप की पावर से कोई दिक्कत आ रही हो, तो उस पावर बैंक से भी ये नहीं हो पाया। तो लेकिन गाइस मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब भी मुझे इसका सलूशन मिलेगा, जब भी मुझे कोई और PC या लैपटॉप मिलेगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो इस पर ही आएगी, ये कंटेंट आप किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा गाइस। और ऐसे करते करते मैंने एक प्रॉब्लम भी इस पर मैंने लैपटॉप पर देख लिया कि आपको इसे कनेक्ट आप इसे अब ऑन करेंगे तो उसके बाद इसकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है बूट के बाद। जो इस प्रॉब्लम का भी मैंने इलाज निकाला है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है ये सब करने के बाद, HDMI कनेक्शन करने के बाद, तो गाइस मैं अगली वीडियो इस पर बना रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गाइज़।